चैप्टर 6 मोगली एमिस्ट मैन, मतलब जो मोगली मैन के बीच में कैसे रहा, कैसे क्या। डॉन वॉज बिगनिंग टू ब्रेक व्हेन मोगली वेंट डाउन द हिल साइड अलोन टू मीट दोज मिस्टीरियस थिंग्स दैट आर कॉल्ड मैन। तो बिल्कुल रात शुरू ही हो गई थी जब मोगली अकेला खुद नीचे चला गया हिल साइड से, मतलब उसकी जंगल था वहाँ से नीचे आ गया उन मिस्टीरियस थिंग्स से मिलने जिसको हम मैन कहते हैं। एज ही वेंचर्ड आउट, जैसे ही उसने आगे स्टेप रखा, ही सॉ द फ्लोर्ड लैंड, उसने खेत वगैरह देखे सारे, एंड द वैली ओपन्ड आउट इन टू अ ग्रेट प्लेन डॉटेड ओवर विद रॉक्स एंड कट अप बाय रैविन्स। तो जो वैली थी वो आगे बड़ी सी वैली ऐसे खुल गई सारी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्लेन प्लेन था और कहीं पर पत्थर थे और कहीं पर रवीन्स थी। रवीन्स हमारी ऐसे होती है कि मतलब ऐसे नदियाँ होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पेड़ 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 होते हैं और वो बिल्कुल सीधी सीधी जाती रहती है, बिल्कुल अंडर पानी होता है इनके, ये हमारी रवीन्स होती हैं। एट वन एंड स्टूड अ लिटिल विलेज एंड एट द अदर द थिक जंगल केम डाउन ऑन अ स्वीप टू द ग्रेजिंग ग्राउंड्स। एक एंड पर छोटा सा विलेज था और एक एंड पर जहाँ पर वो खड़ा हुआ था जंगल एकदम बिल्कुल एंड पर आ गया था। And stopped there as though it had been cut off with a hoe. और वो आराम से वहाँ पर रुक गया कि वह सारे चीज़ें कटी हुई थी आरी से, जो पेड़ थे वगैरह वो सारा कटा हुआ था। All over the plain cattle and buffaloes were grazing. और जो सारा जो plain था वहाँ पर cattle और buffaloes, जो cow और buffaloes थी वो वहाँ पर चर रहे थे। When they saw Mowgli they shouted and ran away here एंड देयर। तो जब उन्होंने मोगली को देखा तो वो चिल्लाने लगे और इधर से उधर भागने लगे। एंड द येलो परियर डॉग्स दैट हैंग अबाउट एवरी इंडियन विलेज पार्क, और जो सारे डॉग्स वगैरह होते हैं विलेजेस में वो भौंकने लग गए। मोगली वॉज टायर्ड, मोगली बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ही वॉज वेरी हंगरी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड व्हेन ही केम टू द विलेज गेट ही सॉ द बिग थॉर्न बुश दैट वॉज ड्रॉन अप बिफोर द गेट एट ट्वाइलाइट एंड पुश्ड इट टू वन साइड। तो जब वो उस विलेज गेट पे आया तो उसने देखा बहुत ही बड़ी सी झाड़ियाँ टाइप हैं उस गेट के बिल्कुल आगे, तो उसने उसको एक साइड में कर दिया। द पीपल ऑफ द विलेज वर स्टेयरिंग एट हिम बिकॉज ही लुक्ड वेरी स्ट्रेंज। तो जो लोग थे विलेज के वो उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर के देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। हिज बिहेवियर वॉज नॉट लाइक अ कॉमन मैन, उसका जो बिहेवियर था मतलब वो जैसे बर्ताव करता था वो एक कॉमन मैन जो एक नॉर्मल आदमी का होता है वो इसे नहीं था। बिकॉज ही लिव्ड इन द जंगल, क्योंकि वो हमेशा शुरू से जंगल से आया तो उसे नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है। ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द विलेजर्स, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा था कम्युनिकेट, बातचीत नहीं कर पा रहा था विलेजर्स से। हम्फ, मोगली द लिटिल ब्रदर साइड, मोगली ने हम्फ कहा, फॉर ही हैड कम अक्रॉस मोर देन वन सच बैरिगेड इन हिज नाइट रैम्बल्स आफ्टर थिंग्स टू ईट। उसने सिर्फ हम्फ कहा क्योंकि उसको खाने की में पहले भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हुई हैं। सो मैन आर अफ्रेड ऑफ द पीपल ऑफ द जंगल हेयर ऑल्सो, तो जो आदमी हैं वो भी डरते हैं पीपल के जंगल से, लोगों के जंगल से यहाँ पर भी। ही सैट डाउन बाय द गेट, वो जो गेट था उसके पास बैठ गया। ही वॉज लुकिंग इन साइड द हाउस व्हेन अ मैन लुक्ड एट हिम, वो एक घर के अंदर देख रहा था जब एक आदमी ने उसे देखा। देन ही केम आउट फ्रॉम द हाउस, तो वो जो आदमी था वो उस घर से बाहर आ गया। मोगली स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। ओपनड हिज माउथ, उसने अपना माउथ खोला और पॉइंटेड डाउन टू शो दैट ही वॉन्टेड फूड, और फिर उसने नीचे से पॉइंट करा होगा अपने मुँह को दिखाते हुए कि उसे खाना चाहिए। द मैन स्टेयर्ड एंड रैन बैक अप द वन स्ट्रीट ऑफ द विलेज शाउटिंग फॉर द प्रीस्ट, तो जो मैन था वो उसे देखने लगे, उसे घूरने लग गया और वो फटाफट एक गली में चला गया विलेज की प्रीस्ट को बुलाने के लिए। प्रीस्ट को बुलाने चला गया मतलब पुजारी को बुलाने चला गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा मोटा सा आदमी था, जो कि वाइट विद रेड एंड येलो मार्क इन हिज फोरहेड, जिसके माथे पे वाइट रेड और येलो कलर का मार्क था। द प्रीस्ट केम टू द गेट, जो पुजारी था वो गेट पे आया, एंड विद हिम एटलीस्ट 100 पीपल, उसके साथ साथ 100 और लोग आ गए। हु स्टेयर्ड एंड टॉक्ड एंड शाउटेड एंड पॉइंटेड, जिन्होंने उसको बहुत घूर घूर देखा, उन्होंने बातें करी, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने इधर उधर पॉइंट करा, उंगलियां करी एट मोगली के ऊपर। बिकॉज ही डिड नॉट लुक लाइक अ कॉमन मैन, क्योंकि वो एक आम आदमी जैसा लग ही नहीं रहा था। मोगली ऑल्सो डिड नॉट नो हाउ टू टेल द विलेजर्स दैट ही वॉज हंगरी, और मोगली को भी नहीं पता था कि वो विलेजर्स को कैसे बताएगा कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ही कुड ओनली एक्ट आउट वर्ड्स एंड शो साइंस, वो सिर्फ वर्ड्स को एक्ट करके बता सकता था अपने हाथों से और उनको साइंस दिखा सकता था। दे हैव नो मैनर्स दिस मैन फोक, सेड मोगली टू हिमसेल्फ, मोगली अपने आप को ही बोलता है कि इनकी पे कोई मैनर्स ही नहीं है इन आदमी लोग की।
ओनली द ग्रे एप वुड बिहेव एज द डू, सिर्फ एक बंदर जैसे बिहेव करता है, जैसे बर्ताव करता है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं. सो ही थ्रू बैक हिज लॉन्ग हेयर एंड फ्रोन एट द क्राउड, तो उसने अपने से लंबे जैसे बाल थे ऐसे पीछे करे और ऐसे क्राउड को अजीब तरह से देखने लग गया जो सारे लोग खड़े थे. वॉट इज़ देयर टू बी अफ्रेड ऑफ, सेट द प्रीस्ट, जो पुजारी होता है वो कहता है इनसे इससे क्या डरना है. लुक एट द मार्क्स ऑन हिज आर्म्स एंड लेग्स, कहते हैं कि जो इसके मार्क्स देखो, उसके निशान देखो जो इसके बाजुओं पे और लातों पे हैं, दे आर बाइट्स ऑफ वुल्फ्स, ये तो बाइट्स हैं वुल्फ्स की, वुल्फ ने काट रखा है इसको. ही इज़ बट अ वुल्फ चाइल्ड रन अवे फ्रॉम द जंगल, वो एक वुल्फ चाइल्ड है जो कि जंगल से भाग कर आ गया है. Of course, in playing together, the cubs had often nipped Mowgli harder than they intended to, and there were white scars all over his arms and legs. ये तो बहुत ही obvious बात थी, जब वो उसके साथ खेलता था वुल्फ के कब्स के साथ, तो वो उसे कभी कभार ज़्यादा ज़ोर से दंडी मारते थे या उसे पंजे मारते थे अपने जितना वो चाह रहे होते थे, तो इसकी वजह से उसके बाजुओं पे और लातों पे वाइट स्कार्स थे, वाइट निशान थे. बट ही वुड हैव बीन द लास्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कॉल दीज बाइट्स, फॉर ही न्यू वॉट रियल बाइटिंग मेंट, तो वो पूरी दुनिया में आखिरी ही इंसान होगा जो इनको बाइट्स बोलेगा, क्योंकि उसे पता था कि एक असली में बाइट मारना क्या होता है. अरे अरे सेट टू और वुमेन टुगेदर, वो जो वुमेंस वगैरह खड़ी होती हैं वो बोलती हैं अरे अरे टू बी बिटन बाय वुल्फ्स पुअर चाइल्ड, कि मतलब वो जो वुल्फ से उन्होंने उसको बाइट कर रखा है बेचारा बच्चा. ही इज़ हैंडसम बॉय, कितना हैंडसम बॉय है, इतना सुंदर बॉय है. ही वॉज लुकिंग वेरी इंटेलिजेंट, कितना समझदार लग रहा है. ही हैज़ आइज़ लाइक रेड फायर, उसकी जो आँखें बिल्कुल रेड फायर जैसी हैं. बाय माई ऑनर मेसुआ, ही इज़ नॉट अनलाइक योर बॉय दैट वॉज टेकन बाय द टाइगर, वो बोल रहे कि मेरे हिसाब से मेसुआ जो तुम्हारा बेटा है ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है जो बिल्कुल जो टाइगर उठे उठा के ले गया था. लेट मी लुक एट अ वुमन विथ हैवी कॉपर रिंग्स ऑन हर रिस्ट एंड एंकल्स, जो वुमेन थी जिसने अपने हाथ में बड़ी बड़ी कॉपर की रिंग्स, तांबे की रिंग्स पहन रखी थी अपने रिस्ट पे, जो तुम्हारी रिस्ट होती है, और अपने गोडो पे एंकल्स पे, सॉरी जो तुम्हारे पैर के एंकल्स होते हैं उस पे, तो उसने बहुत ही आराम से मूंगली को देखा. वो कहती कि मुझे देखने दो. इंडीड ही इज़ नॉट, ही इज़ थिनर बट ही हैज़ द वेरी लुक ऑफ माई बॉय, क्या पता वो ना भी हो बट ये पतला सा है, बट शायद मेरे बेटे जैसा भी हो सकता है. द प्रीस्ट वॉज अ क्लेवर मैन, जो पुजारी था वो बहुत ही चलाक आदमी था. ही न्यू दैट मेसुआ वॉज वाइफ टू द रिचेस्ट विलेजर इन द प्लेस, उसे पता था जो मेसू है वो सबसे रिच सबसे अमीर आदमी की वाइफ है, की बीवी है इस पूरे जगह की. सो ही लुक्ड अप एट द स्काई फॉर अ मिनट एंड सेंस सॉलमली, तो उसने ऐसे स्काई के ऊपर देखा और उसने पति सीरियस वे में बोला कि व्हाट द जंगल हैज़ टेकन द जंगल हैज़ रिस्टोर्ड, तो वो कहता है कि जो जंगल ने हमसे लिया है वो जंगल ने हमेशा हमें वापस भी किया है. टेक द बॉय इन टू योर हाउस, वो कहते हैं कि वो जो बॉय है उसको, जो मोगली है उसको अपने घर ले जाओ माई सिस्टर, एंड फॉरगेट नॉट टू ऑनर द प्रीस्ट हू सीज सो फार इन टू द लाइव्स ऑफ मैन, कि इसको अपने घर ले जाओ मेरी बहन, और मुझे शुक्रिया अदा करना मत भूलना, क्योंकि मैं जो है वो सारे आदमियों की जिंदगी में देख लेता हूँ. By the bull that bought me, said Mowgli to himself, but all this talking is like another looking over by the back. तो मोगली अपने आप को बोल रहा है कि हाँ मुझे जो बुल ने खरीदा था उसी की वजह से, बट जो ये सारी बातें हैं ये तो बिल्कुल, मतलब जो सारी ये बातें कर रहे हैं ये भी तो सेम पैक के जैसे जैसे जब वो मुझे अंदर लाने के लिए बातें कर रहे थे. वेल इफ़ आई एम अ मैन आई मस्ट बिकम, वेल अगर मैं एक आदमी हूँ तो मुझे एक आदमी बनना ही चाहिए. आई विल लर्न द लैंग्वेज एंड रूल्स ऑफ द विलेजर्स, मैं सारी लैंग्वेज लर्न करूँगा जो बोली ये बोलते हैं और जो रूलर्स हैं इन विलेजर, जो रूल्स हैं इन विलेजर्स के. इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी बट नॉट इम्पॉसिबल, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है बट ऐसा तो नामुमकिन तो नहीं है. द क्राउड पार्टेड अवे एज द वुमेन बेकन्ड मोगली टू हर हट, तो जो क्राउड था जब वो सारा इधर उधर बिखर गया था, जो वुमेन थी उसने मोगली को अपनी हट में बुलाया. वेयर देयर वॉज ग्रेट अर्दन ग्रेन चेस्ट विथ फनी रेस्ड पैटर्न्स ऑन इट, हाफ अ डजन कॉपर कुकिंग पॉट्स, एंड इमेज ऑफ अ हिंदू गॉड इन अ लिटिल एल्कोव, एंड ऑन द वॉल अ रियल लुकिंग ग्लास सच एज द सेलेट कंट्री फेयर्स. तो जो वुमेन थी वो मोगली को अपने घर ले गई, जहाँ पर उसने देखा कि उसके घर के अंदर चेस्ट पड़ी हुई है जिसके ऊपर फ़नी फ़नी पैटर्न्स बने हुए हैं, कम से कम हाफ अ डज़न कॉकर कुकिंग पॉट्स थे वहाँ पे, जिसमें खाना बनाते हैं पॉट्स वो थे, और एक हिंदू गॉड की इमेज थी जो ऐसे एक यहाँ पर ऐसे ना ऐसे इसके अंदर दबे होते हैं ऐसे, इसे हम एल्कोव कहते हैं कि कोई सीनरी हम ऐसे कर लेते हैं दीवार के अंदर फिर उसके अंदर ऐसे लगा देते हैं, उसके अंदर बिल्कुल
जगह करके, अगर तुम्हारे घर में होगी तो. तो उसे हम एलकोव कहते हैं. उसकी हिंदू गॉड के अंदर ऐसी एलकोव थी और एक असली लुकिंग ग्लास था, शीशा था, जैसे कि वो कंट्री फेयर्स में बेचते हैं. मैसुआ गेव हिम मिल्क एंड सम ब्रेड. मैसुआ ने उसे दूध और कुछ ब्रेड वगैरह दिया खाने के लिए. देन शी लेड हर एंड ऑन हिज हेड लुक्ड इन टू हिज आइड. तो फिर उसने अपने हाथों को उसके सर पे ऐसे फिराया और उसकी आंखों में देखा. फॉर शी थॉट, तो उसने सोचा, परहैप्स दैट ही माइट बी अ रियल सन रिटर्न फ्रॉम द जंगल वेयर द टाइगर एंड टेकन हिम. तो क्या पता ये मेरा ही बेटा हो, मेरा ही असली का बेटा हो जो जंगल से वापस आ गया है जब उसे टाइगर ले गया था. दिस लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जंगल. मोगली वॉज मिसिंग द पीपल ऑफ द जंगल. जो ये लाइफ थी मोगली के लिए वो बहुत ही अलग थी. मोगली अपने जो पीपल थे, जो लोग थे जंगली, उन्हें मिस कर रहा था. ही वॉज थिंकिंग अबाउट दोज डेज वेन ही प्लेड विद हिज फ्रेंड्स. वो उन दिनों के बारे में सोच रहा था जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था. ही वॉज मिसिंग बघीरा एंड बालू. और वो बघीरा और बालू, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था. ही वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज ही हैड नेवर बीन अंडर अ रूफ बिफोर. और उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ही अनकम्फर्टेबल भी फील हो रहा था कि वो आज से पहले कभी भी एक रूफ के अंदर नहीं सोया था. एक रूफ के अंदर, जैसे हट की रूफ होते ना ये रूफ. बट एज ही लुक्ड एट द थैच ही सॉ दैट ही कुड टीयर इट आउट एनी टाइम इफ ही वांटेड टू गेट अवे एंड दैट विंडो हैड नो फास्टनिंग्स. जब मतलब उन्होंने छत पे देखा, जो वो रूफ थी उसको देखा, तो उसके दिमाग में ये था कि वो कभी भी इसको फाड़ सकता है और यहाँ से कभी भी निकल सकता है. और जो विंडो थी वो भी ऐसे कोई चीज़ से उन्हें बंद करने के लिए नहीं था, वो भी ऐसे से ही बंद कर देते थे. व्हाट इज़ द गुड ऑफ अ मैन ही सेड टू हिमसेल्फ एट लास्ट इफ़ ही डज नॉट अंडरस्टैंड. वो कहते हैं कि क्या ही अच्छा चीज़ होगी एक आदमी के लिए अगर वो नहीं समझता मैंस टॉक, अगर वो एक आदमियों की भाषा ही नहीं समझता. नाउ आई एम एज सिली एंड डम्ब एज अ मैन हु वुड बी विद अस इन द जंगल. तो मैं भी एक अभी एक ऐसा बेवकूफ़ और डम्ब लग रहा हूँ जैसे कि एक आदमी होगा हमारे साथ जंगल में. आई मस्ट स्पीक देयर टॉक. मेरे को भी उनकी जो भाषा जो मैं बोलते हैं मुझे वही बोलनी पड़ेगी. आई मस्ट लर्न हाउ दे लिव. मेरे को सीखना पड़ेगा कि ये कैसे जीते हैं. आई विल लर्न देयर कस्टम्स एंड रूल्स. मैं जो भी इनके रूल्स हैं, जो भी इनके तौर तरीके हैं, मुझे सीखने पड़ेंगे और मैं सीखूंगा. इट वॉज नॉट फॉर फन दैट ही हैड लर्नड वाइल ही वॉज विद द वुल्स टू इमिटेट द चैलेंज ऑफ बग्स इन द जंगल. जंगल में कोई मजाक नहीं था जब उसने सारी चीज़ें सीखी थी वुल्फ की, जो वो कॉपी करते थे. एंड द ग्रंट ऑफ द लिटिल वाइल्ड पिक, और जो सारी आवाज़ें निकालते थे वो कोई मजाक नहीं था. उसने लर्न किया था, उसने सीखा था ये. सो एज सून एज मैसुआ प्रोनाउंस्ड अ वर्ड मोगली वुड इमिटेट इट ऑल्सो परफेक्टली. तो धीरे धीरे करके जैसे ही मैसुआ एक वर्ड प्रोनाउंस करती थी, बोलती थी, मोगली उसे कॉपी करता था बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल परफेक्टली. एंड बिफोर डार्क ही हैड लर्न द नेम्स ऑफ मैनी थिंग्स. और रात होने से पहले उसने काफ़ी सारी वर्ड्स सीख लिए थे. मैनी थिंग्स इन द हट, जो कि हट में थी वो, बिकॉज हिज माइंड वॉज वेरी शार्प एंड ही वॉज लर्निंग फ्रॉम द हार्ट. क्योंकि उसका दिमाग था वो बहुत ही तेज़ था और वो अपने पूरे दिल से उसे सीख रहा था.